वो कहावत है ना, एक दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, यही मार्केट को लागू होता है। फ्राइडे के दिन इतना बड़ा मोमेंट देने के बाद 2 दिन से मार्केट सोया हुआ है, लेकिन जो लोग मेरे फ्री टेलीग्राम चैनल पे जुड़े हैं कभी बड़ा मोमेंट मिस नहीं होता। अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है, ज्वाइन टेलीग्राम बोल के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हूं दोस्तों, उस लिंक को क्लिक करके अभी कभी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि फ्राइडे के दिन मार्केट खुलने के बाद 300-400 पॉइंट मोमेंट देने के बाद मेरा पहला पोस्ट आता है 11:22 पे 46,771 के ऊपर। अगर 2-5 मिनट का ग्रीन कैंडल क्लोज करेगा तो हमें कॉल बाय करना है। उसके बाद क्या था मेरे भाई, जैसे ही ब्रेकआउट दिया, सेटअप एक्टिवेट हुआ, 563 पॉइंट का मोमेंट दिया है वन फ्लो में दोस्तों। कॉल खरीद के बैठ जाते ना भाई, कसम से कहीं पे एग्जिट करने का मौका नहीं दिया। मार्केट कंटिन्यूसली वन फ्लो मार्केट था, इसीलिए मैं कह रहा हूं कल के दिन फिन निफ्टी का एक्सपायरी है, ऐसे ही मैं जीरो टू हीरो लेवल देने वाला हूं। आज के दिन जो 2 लेवल दिया था दोस्तों निफ्टी और बैंक निफ्टी का, वो सस्टेन ही नहीं हुआ, बट हाँ जो क्वालिटी वाला ग्रुप है दोस्तों वहां पे प्रॉफिट मिला है। और इतना साइडवेज मार्केट में भी जो दिन का पहला ट्रेड था 22,300 का कॉल 189 से वो 225 चला गया, यानी कि पूरे बॉटम पे हमने बाय किया था। इवन बैंक निफ्टी का जो ट्रेड था वहां पे भी दोस्तों 79 पॉइंट मिला। जाके फ्री वाले ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। कल के दिन फिन निफ्टी का एक्सपायरी है और ये वीडियो फिन निफ्टी के नाम, आप बोलोगे भाई अगला वीडियो कहां गया यार, निफ्टी बैंक निफ्टी मिड कैप निफ्टी का कहां गया? भाई मेरे आ रहा है यार 6 बजे, टेंशन मत लो यार, आप बस सब्सक्राइब करके रख लिया कीजिए। बाय द वे आजकल कुछ ज्यादा ही आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं, उसके लिए आप लोगों को हक से दिल से थैंक यू। और आपने अगर कोई भी कॉल पुट होल्ड किया है तो कमेंट करके बता दीजिए, कल सुबह 8:45 के बाद सीधा मेरा रिप्लाई आएगा, तो अभी का अभी कमेंट कीजिए। और अगला वीडियो जो है वो 6 बजे आने वाला है, 3 इंडेक्स का एनालिसिस, लेकिन ये वीडियो में दोस्तों फिन निफ्टी एक्सपायरी स्पेशल एनालिसिस करने वाले हैं, जीरो हीरो भी हम डिस्कस करेंगे और ऑप्शन चेन भी डिस्कस करेंगे। तो ये वीडियो फिन निफ्टी के नाम, और प्लीज मैं रिक्वेस्ट करता हूं जाके फ्री वाले ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि भाई बड़ा मूव आएगा ना, मैं गारंटी देके बोलता हूं नहीं छोड़ूंगा। उस दिन भी लाइक निफ्टी का जो भी लेवल दिया था, खुलते ही ये टूटा तो ये टारगेट, ये टूटा तो ये टारगेट, ये टूटा तो ये टारगेट। भाई टारगेट वारगेट छोड़िए, वो तो 4 टारगेट तो भाई पहले आप ही लाइक हिट हो गया, उसके बाद उड़ता गया निफ्टी, और बैंक निफ्टी की तो बात ही, वो तो लाइव ट्रेड मैंने दिया था, तो जाके फ्री वाले ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों फिन निफ्टी एक्सपायरी स्पेशल एनालिसिस, कल के दिन का पहला व्यू दोस्तों, ध्यान से सुनिए, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन मजा आएगा, सिंपल है। कल के दिन के लिए प्लान नंबर ए में रखता हूं, अगर कल के दिन मार्केट फ्लैट या फिर गैप अप खुला, उसके बाद अगर दोस्तों साइडवेज हुआ, ओके उसके बाद साइडवेज हुआ, एंड देन अगर समझ लीजिए मार्केट 21,015 ये लेवल को ब्रेकआउट कर देता है फिन निफ्टी ना, 5 मिनट टाइम फ्रेम पे मैं एनालिसिस कर रहा हूं, तभी जाके हमें अपसाइड का मूव देखने को मिलेगा, वो भी बहुत कॉशियस होके आप कॉल खरीद सकते हैं 21,015 के ऊपर। कल के दिन अगर मार्केट, मैंने क्या कंडीशन बोला, फ्लैट गैप अप खुल के साइडवेज होना चाहिए, बिना साइडवेज हुए नहीं, लाइक थोड़ा सा कंसोलिडेट करके अगर 21,015 अगर ब्रेकआउट कर देता है तो प्लान नंबर ए एक्टिवेट होगा, हम कॉल बाय कर सकते हैं। पहला प्लान, लाइक पहला रीजन ये है कि 21,015 के ऊपर दिया, तो 21,000 जो है दोस्तों वो एक कहीं ना कहीं राउंड लेवल है, और जो कि ऑप्शन चेन पे आपको उसका रीजन भी दिखेगा, रुकिए मैं बताता हूं आपको। तो 21,000 तो एक राउंड लेवल है, एक साइकोलॉजिकल लेवल है, उसके ऊपर तो मोमेंट आएगा क्योंकि वो एक रेजिस्टेंस के जैसा काम करेगा। दूसरी बात क्या है आपको यहां पे क्लियरली पता चल जाएगा, एक दिन दोस्तों मार्केट कहीं ना कहीं बहुत बड़ा गैप डाउन खुला था, गैप डाउन खुलते ही पहले 5 मिनट में अच्छा खासा अपसाइड मूव दे दिया कि पूरा रिकवर करने जैसा दिखाया, बट यहां पे आप देख सकते हैं दोस्तों 21,000 के लेवल के आसपास, यानी कि 20,987 से 21,015 ये जो जोन है दोस्तों, यहां से मार्केट कंटिन्यूअसली गिरता गया। तो प्रॉपर दोस्तों अब ये एक रेजिस्टेंस जोन है, और कल के दिन मार्केट इसी रेजिस्टेंस जोन को टच करने वाला है। रुकिए प्लान बी पे ट्विस्ट आएगा, तो सीधी सिंपल सी बात है, पहला आपको प्लान पता चल गया दोस्तों, रीजन की एक रेजिस्टेंस जोन है, दूसरी बात 21,000 एक साइकोलॉजिकल लेवल है, तो इसके ऊपर कंसोलिडेट करके ब्रेकआउट करेगा तो हम कॉल बाय करेंगे, और ऑप्शन चेन पे भी उसके रीजन अच्छे से बता दूंगा। लेकिन प्लान नंबर बी पे आ जाता है मेरे भाई, राउंड ट्विस्ट पूरे के पूरे, अगर कल के दिन प्लान नंबर बी, ये मैं बोल रहा हूं, अगर कल के दिन मार्केट फ्लैट गैप अप खुल के अगर 20,987 से
21,015 ये लेवल को टच करता है, ये जोन को, इस जोन के अंदर घुसा और यहां से जैसे ही एम पैटर्न बनता है भाई सेल ही करना है। इस जोन पे घुसते ही दोस्तों एम पैटर्न बनते ही सेल करना है। अगर ये जोन पे टच किया, टच करके अगर लोअर लो बनाना चालू कर दिया, मतलब इस जोन को टच किया एंड देन ऐसे घुमा और लोअर लो बनाना चालू कर दिया, 5 मिनट टाइम फ्रेम पे आपको ये पैटर्न दिख गया सपोर्ट टूटता हुआ, तब भी पुट बाय कीजिए। क्योंकि एक स्ट्रांग रीजन में देना चाहूंगा, 21,000 पे आप देखोगे कितने कॉल राइटर होंगे वो तो मैं पहले से ही बोल रहा हूं, और एक साइकोलॉजिकल लेवल है। और सबसे मेन रीजन है दोस्तों, यहां पे आप देख लीजिए प्रॉपर कहीं ना कहीं एक रेजिस्टेंस है, जो कि रेजिस्टेंस पहले कभी टेस्ट नहीं हुआ। यही आपके लिए एक ट्विस्ट है दोस्तों, अगर ये रेजिस्टेंस एक बार टेस्ट हुआ ना, चलो मतलब एक बार क्रिएट हुआ है ना, अभी पहले कभी टच हुआ है क्या, नहीं। अगर हाँ, अगर मार्केट मान लेते हैं कुछ दिन बाद इसी रेजिस्टेंस को टच करता फिर नीचे आता, फिर कुछ दिन बाद टच करता फिर नीचे आता, फिर कुछ दिन बाद कहीं ना कहीं टच करता फिर नीचे आता, तब जाके मैं स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन के साथ आपको बोल सकता था कि भाई कल के दिन कहीं ना कहीं आप लाइक कहीं ना कहीं सेल के बारे में सोचिए, ये टूटेगा तो आप बाय कर लेंगे बोल के। बट मेरे भाई वो एक बार क्रिएट हुआ है, अब तक टच भी अच्छे से नहीं किया, तो क्यों झूठा मोटा का आपको मैं कहीं ना कहीं उम्मीद दूं कि कल के दिन टूटने पे ना बाय कर लो बोल के। भाई टूटने का चांसेस जो है ना वो 10% है, जबकि यहां से टर्नराउंड होने का चांसेस जो है वो 90% है। इसीलिए कल के दिन रिवर्सल के लिए देखिए, क्योंकि ऑलरेडी एक अप मूव दे चुका है, तो अच्छा खासा अगर प्लेस मिला तो प्रॉफिट बुकिंग डेफिनेटली आएगा। क्लियर हो गया दोस्तों पूरे के पूरे। अब चले जाते हैं प्लान सी पे, प्लान ए और प्लान बी क्लियर है दोस्तों। प्लान सी ये थोड़ा सा रिस्की रहेगा दोस्तों, आपके सामने ही मैं एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दिया, तो सीधी सिंपल सी बात है, कल के दिन मार्केट अगर फ्लैट खुला, 20,875 अगर दोस्तों कहीं ना कहीं ब्रेक डाउन किया, तब जाके कहीं ना कहीं हमें डाउनफॉल का मोमेंट देखने को मिलेगा। इसके पीछे मैं आपको रीजन बोल देता हूं, तो यहां पे अगर आप देखोगे दोस्तों, एक बार टच किया, यहां से ऊपर की तरफ मोमेंट किया ऐसे ट्रेंड लाइन, दोबारा टच किया और अच्छा खासा अपसाइड का मोमेंट दिया है, तो कल के दिन अगर दोस्तों ये ट्रेंड लाइन ब्रेक डाउन हो जाएगा ना, तो वैसे भी कहीं ना कहीं ट्रेंड आपको क्रेक होता हुआ दिखेगा। और सबसे सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आज का लास्ट स्विंग, कहीं ना कहीं मार्केट आज के दिन स्ट्रगल कर रहा था, एक चॉपी मूव था, एक साइडवेज मूव था, बट ऊपर जाके जब नीचे गिरा यहां से सडन एक एन अपसाइड का मूव आया, तो ये जो है यानी कि 2:35 का कैंडल का लो है ना दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो स्विंग है यानी कि लाइक कहीं ना कहीं टिप मार के यहां से सीधा उठा है, तो इतना बड़ा ट्रेंड लाइन प्लस अगर 20,875 टूटेगा तब डेफिनेटली हम बाय कर सकते हैं, बट रिस्की रहेगा, क्योंकि असली जो डाउनफॉल है वो 20,811 के नीचे हमें सेल लाइक देखने को मिलेगा, क्योंकि एक बार यहां पे सपोर्ट लिया, दो बार यहां से सपोर्ट लिया है, तो इसके नीचे आएगा तभी जाके हमें डाउनफॉल देखने को मिलेगा। क्लियर हो गया दोस्तों प्लान सी। प्लान डी की अगर मैं बात करूं, तो कल के दिन अगर मार्केट बहुत बड़ा गैप अप खुल जाता है तभी जाके हमारा प्लान डी एक्टिवेट हो जाएगा। तो कल के दिन अगर गैप अप खुला तो एम पैटर्न बनते ही हम सेल करेंगे, अगर लोअर लो बन गया तब भी दोस्तों हम सेल करेंगे, अगर एक रेंज में रहा 15 मिनट आधे घंटे एक घंटा, उसके बाद अगर 12-1 बजे के बाद अगर रेंज नीचे की तरफ ब्रेक डाउन कर रहा है तब भी सेल ही सेल करेंगे। इसके पीछे रीजन सिंपल है दोस्तों, अगर आप देखोगे फ्राइडे के दिन मार्केट में बाइंग हुआ है और कहीं ना कहीं आज के दिन भी आखिरी मोमेंट पे बाइंग हुआ है, कल के दिन अगर मार्केट मान लेते हैं गैप अप खुल गया, गैप अप अगर खुल जाता है, तो जो भी लोग यहाँ पे सब पोजिशन लेके गए होंगे, कल गैप अप खुलते ही फिन निफ्टी में खास करके कोई नहीं चाहेंगे कि भाई हम और प्रॉफिट मतलब और रिस्क लें बोल के, जो भी प्रॉफिट मिल रहा है चलो बुक कर लेते हैं, तो बाय पोजिशन एग्जिट करेंगे तो मार्केट नीचे की तरफ आएगा। और दूसरी बात दोस्तों, ऊपर के लेवल पे अच्छा खासा सारे रेजिस्टेंस भी हैं, तो कल के दिन गैप अप खुला तो कोई भी आपको पैटर्न दिखा इवन आपके स्ट्रेटजी के हिसाब से भी, तब भी सेल ही कीजिए। ऐसे नहीं कि ओनली प्राइस एक्शन फॉलो कीजिए, मैं तो फ्री वाले लेवल दे दूंगा, आप जो भी स्ट्रेटजी अपना इंडिकेटर वगैरह जो भी आप करके रखें उस हिसाब से भी आपको अगर गैप अप खुलने का थोड़ा ऊपर जाते हैं इसी यूटर्न मारता हुआ मार्केट दिखा तो डेफिनेटली दोस्तों हम सेल के बारे में ही सोचेंगे। क्लियर हो गया दोस्तों। अब प्लान बात करते हैं ई का, अगर कल के दिन बहुत बड़ा गैप डाउन खुल गया, ये एक ट्विस्ट लाएगा बाइंग के लिए, कल के दिन अगर गैप डाउन खुल गया तब जाके दोस्तों डब्ल्यू पैटर्न बनते ही बाय कीजिए, हायर हाई बनते ही बाय कीजिए, क्योंकि मेरे भाई सिंपल बात है, यहां पे अगर आप देखोगे जो इतना अच्छा का अपसाइड का मूवमेंट दिया, कल अगर गैप डाउन खुलता है तो यहां पे सपोर्ट है, यहां पे सपोर्ट है,
ये देखो ये रेस्टोरेंट टूट गई, अब ये जोन भी एक सपोर्ट जोन बन चुका है, तो मार्केट के लिए और स्पेस नहीं है। मतलब मार्केट के लिए एक हेल्दी रिट्रेसमेंट हो जाएगा कि ठीक है भाई, गैपडाउन खुला तो आप बोल सकते हैं कि अच्छा ही है, लाइक बायर को लगेगा कि भाई अच्छा खासा अपसाइड का मूव दिया 50% कहीं ना कहीं, अगर हमें डिप में कोई प्राइस मिल रहा है और मार्केट रिट्रेस किया तो यहां से हम कॉल खरीदेंगे बोल के, तो उल्टा बायर के लिए अच्छा रहेगा कल गैपडाउन खुलना। अगेन कहीं ना कहीं जो लोग इस रैली पे पार्टिसिपेट नहीं किए वो इस बीच में घुसेंगे कि कम रेट में मिल रहा है बोल के। क्लियर हो गया दोस्तों, 20,927 के आसपास क्लोज दिया है फिन निफ्टी। अब आ चुके हैं फिन निफ्टी का ऑप्शन चेन पे, यहां पे कॉल राइटर यहां पे पुट राइटर 20,927 के आसपास क्लोज दिया है। मैं आपको पहले ही बोला था कि मेरे भाई आते हैं ऑप्शन चेन पे, मैं क्यों बार बार स्ट्रेस देके एक ही बात बोले जा रहा था, 21,000 राउंड लेवल ये वो आप खुद देख लीजिए, और मैं पहले बोला था ऑप्शन चेन में मिलेंगे 21,000 के लेवल में मेरे भाई 16,16,440 से ज्यादा कॉल राइटर 21,000 के लेवल पे हैं। हाईएस्ट कॉल राइटिंग दोस्तों 20,950 पे 12,00,000, लेकिन 21,000 के लेवल पे 16,00,000 से ज्यादा कॉल राइटर 21,000, 50 के लेवल पे 10,00,000, 21,000, 100 के लेवल पे 13,00,000, सबसे ज्यादा कॉल राइटिंग हुआ है 21,000 के लेवल पे, इसीलिए ये एक रेजिस्टेंस लेवल है। और टेक्निकली भी देखा जाए और ऑप्शन चेन के हिसाब से देखा जाए दोनों को भी कंबाइन करेंगे तब भी ये रिजल्ट निकलता है, तो 21,000 के ऊपर अगर जाता है तब जाके दोस्तों हम कहीं ना कहीं बाय कर सकते हैं, लेकिन वहां से अगर घूमेगा देन डेफिनेटली दोस्तों हम पुट के तरफ जाएंगे। नीचे की अगर मैं बात करूं तो 22,00,000 से ज्यादा पुट राइटर 20,000, भाई पुट राइटर कम नहीं है, 20,900 के लेवल पे अगर आप देखोगे यहां पे भी मुकाबले करने के लिए रेडी है 22,02,240 से ज्यादा पुट राइटर 20,850 पे देखोगे, 11,00,000 से ज्यादा पुट राइटर 20,800 पे देखोगे, 19,00,000 से ज्यादा पुट राइटर, तो सीधी बात है मेरे भाई 20,800 के नीचे जाएगा ना तभी जाके हमें अच्छा खासा डाउनफॉल देखने को मिलेगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दीजिए, जाके फ्री वाले ग्रुप पे अभी कभी ज्वाइन कर लीजिए, अपने मम्मी पापा को बहुत सारा प्यार दीजिए, हमेशा उनका केयर कीजिए। चलिए दोस्तों मिलते हैं कल के दिन, दिल से थैंक यू वीडियो को पूरा देखने के लिए, और हाँ सॉरी यार मैंने कल के दिन बोल दिया, 6 बजे मिलते हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके जाइए, सेकंड वीडियो आ रहा है, टेक केयर, बाय एंड सी।